Now, it's the Congress party viewers where a reaction that we're getting this reaction from, and it is uh, the JPCC president, which is Keshav Mato. He's calling this a political conspiracy and saying that uh, this is an attempt by the BJP to destabilize the government in Jharkhand, and that is why such rumors are being spread. Let's listen in. जस्ट हेड ऑफ द असेंबली इलेक्शन नाउ द पोलिटिकल टर्मोइल इज गोइंग ऑन इन द स्टेट ऑफ झारखंड एज देर आर समर्ट्स विच आर कमिंग इन दैट इट माइट बी पॉसिबल दैट द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड मिस्टर चंपाई सुरेन मे ज्वाइन द बीजेपी एंड टू टॉक अबाउट दिस मैटर मो वी हैव बीन ज्वाइन बाय द पीसीसी प्रेजिडेंट ऑफ झारखंड मिस्टर केशव मेहतो विदस सर सबसे पहला सवाल चंपाई सुरेन जो है वो दिल्ली आ चुके हैं लगातार इस तरीके की बातें चल रही है रिपोर्ट आ रही है कि वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं हालांकि अब उनका बयान सामने आ गया और उन्होंने इन सभी इस जो खबरें आई तो इनका खंडन किया है कांग्रेस पार्टी का इस पे क्या कहना है आपका क्या मत है इस पर चंपा सोरेन जी माननीय मंत्री हैं और फॉर्मर मुख्यमंत्री हैं वह बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं और वरिष्ठ मंत्री हैं पार्टी के प्रति वह बहुत ही समर्पित हैं गुरु जी के सानिध्य में उन्होंने काम किया है वह किसी तरह का इस स्टेप नहीं ले सकते हैं जेएमएम के खिलाफ गठबंधन के खिलाफ उन्हें हम लोग व्यक्तिगत रूप से जानते हैं वे एकदम निश्चित रूप से अपने सिद्धांत से अपने विचारों से कहीं इधर उधर जाने वाले नहीं हैं और न पार्टी के प्रति किसी तरह का कोई गलत स्टेप उठा सकते हैं वह अपने काम के लिए विभागीय काम के चलते हो चाहे कोई दूसरे पर्सनल काम के चलते हो दिल्ली आना जाना चूंकि राजधानी है यहाँ मंत्रियों का बराबर होता है इसलिए सिर्फ दिल्ली आने से ही यह दूसरे पार्टी में ज्वाइन करेंगे ये बिल्कुल निराधार है सर, लेकिन कुछ खबरें इस तरीके से भी आ रही थी कि वो कहीं ना कहीं नाराज चल रहे थे से की से की लीडरशिप क्योंकि कहा जा रहा है कि जब हेमंत सोरेन जी जेल से बाहर आए थे तो उसके बाद में चंपई सोरेन को वो तवज्जो नहीं मिली जो पहले दी जाती थी और उसकी वजह से वो कहीं ना कहीं नाराज थे देखिए चंपई सोरेन को जो जवाबदेही दी गई जब माननीय हेमंत सोरेन जी जेल में गए तो बहुत सारे नेता थे लेकिन उन्होंने चंपई सोरेन जैसे अनुभवी और पुराने नेता को ही उन्होंने ये मुख्यमंत्री का जिमा दिया कुर्सी दिया, और उसके बाद जब वो निकल गए तो आपस में बात करके पार्टी का निर्णय हुआ फिर हेमंत सोरेन जी मान्य मुख्यमंत्री बन गए इसलिए उसमें कोई निराज उनको तो सम्मानित करने का काम किया पार्टी में इसलिए उनको नाराजगी दूसरी लोग इस तरह का अफवाह फैलाते हैं कि वे नाराज चल रहे हैं नाराज चलते तो फिर कैबिनेट में कैसे आ जाते और सारा काम कैसे वो कर रहे हैं ऐसी विपक्षियों है। द्वारा विरोधियों द्वारा अफवाह फैलाया जाता है और शुरू से आप देखेंगे जब से गठबंधन की सरकार बनी है झारखंड में उसको अस्थिर करने में भाजपा लगी हुई है न के न प्रकार हर तरह का डोरा डाल करके लेकिन हमारे सभी विधायक गठबंधन के एक झूठ है वह कहीं जाने वाले नहीं है लेकिन सर इस तरीके की जो खबरें आ रही है चुनावों से ठीक पहले कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इसका भी प्रभाव जो है वो ग्राउंड पे पड़ता हुआ नजर आएगा क्योंकि इतने बड़े नेता अगर कुछ 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 नहीं, नहीं। इससे और गठबंधन मजबूत होगा इसमें किसी तरह का कोई गठबंधन में यह बिखराव या किसी तरह की बात कोई नहीं है हम जितना गठबंधन पर अस्थिर करने की बात हो रही है सरकार उतने मजबूत होकर के जन कल्याणकारी कार्यों को झारखंड में लागू कर रही है चाहे आप देखेंगे किस तरह से सभी खलबली बन गई है भाजपा में यह माई सम्मान योजना से जिस तरह से गांव गांव में एक अभियान के रूप में चलाया जा रहा है इसे काफी महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं महिला सशक्तिकरण का एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम माननीय गठबंधन सरकार हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चलाया जा रहा है सर ये भी बताया गया है कि कोलकाता में एक मीटिंग हुई थी और उसके बाद में ही अब चंपाई सुरेन जो है वो दिल्ली पहुंचे शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे बीजेपी के और इसी वजह से जो है अभी आने वाले कुछ दिनों में वो दिल्ली में ही रहने वाले हैं